नमस्कार मित्रों, हमारे शास्त्रों में बजरंग बाण को बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान हनुमान जी की कृपा पाने के लिए यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। बजरंग बाण का मंत्र हनुमान जी की भक्ति शक्ति और उनकी ऊर्जा को पाने का स्तोत्र भी माना जाता है। बजरंग बाण के विधि पूर्वक पाठ से कुंडली के हर प्रकार के दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और खासकर मंगल के दोष से, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष की वजह से हर प्रकार के कार्य और विवाह और मांगलिक कार्य में भी दिक्कत और परेशानियां आती है और वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती है। इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है और उन समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। बजरंग बाण को दोहे चौपाइयों और बीज मंत्रों की वजह से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की आन है और सौगंधे हैं जिसकी वजह से यह अत्यंत ताकतवर और प्रभावशाली है और कार्य सिद्धि अवश्य ही हो ही जाती है। सामान्य स्थिति में इसका पाठ वैसे नहीं करना चाहिए, मगर विषम परिस्थिति में अवश्य इसका पाठ किया जा सकता है और बजरंग बाण का पाठ विशेष दशाओं में भी नियम के अनुसार जरूर करना चाहिए। क्या आपको पता है कि बजरंग बाण के पाठ से हमें किस किस प्रकार के लाभ मिलते हैं और कौन कौन सी परिस्थितियों में इसका पाठ करना हमें फायदा पहुंचाता है, तो मैं आपको बताता हूं। कई बार हमारे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी तरह की परेशानियां आ जाती हैं। रोग और शत्रु हर तरह से हमें परेशान करते हैं। एक तो व्यक्ति पहले से रोगी होता है, उसका रोग से छुटकारा नहीं मिलता। दूसरा, शत्रु बाधाओं से वो परेशान हो जाता है, हर प्रकार के शत्रुओं से परेशानी उसको मिलती है। तो ऐसे समय में भी बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हर प्रकार की दिक्कतें और बाधाओं को दूर करने के लिए भी ये सर्वाधिक उपयुक्त उपाय माना गया है। इसके अलावा भी यह यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है या फिर वो किसी मुकदमे की वजह से परेशान है, दुखी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी बजरंग बाण का सहायता लिया जा सकता है। और बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति को कर्ज और मुकदमे में भी मुक्ति मिलती है और सफलता हासिल होती है। और तीसरा, कई प्रकार के लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं, इसलिए कई बार लोगों की नज़र दृष्टि से हम उसके शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण कि हमारे जीवन में उलझनें आ जाती है, बाधाएं पैदा हो जाती हैं। तो ऐसी समस्या में भी आप समझ जाइए कि आप किसी की दृष्टि दोष का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार से बजरंग बाण का पाठ करना फायदेमंद माना गया है। अब मैं आपको बजरंग बाण का पाठ करने का नियम बता रहा हूँ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का हमें संकल्प पहले लेना चाहिए। यह कार्य प्रातः काल में करें और शौच आदि से निवृत्त होकर के और उसके पश्चात स्नान करें और उसके पश्चात अपना मुख, या अगर आप हनुमान जी के मंदिर में हैं तो मूर्ति की तरफ अपना मुख रखें, और अगर आप अपने घर में हैं तो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखें, और शत्रु बाधा है तो आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। और अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और रुपये पैसे के संबंध से आए तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, और किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। पाठ शुरू करने के लिए पहले सामने आपको एक घी का दीपक लगाना पड़ेगा और लाल रंग का पीताम्बर, लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। तत्पश्चात आपको लाल ही रंग के आसन के ऊपर ही बैठना है और हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति या उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है और गुड़ का भोग आपको लगाना है। तत्पश्चात आपको बजरंग बाण का पाठ आरम्भ करना है। शुरुआत में एक पाठ से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे दिनों दिन आपकी गति बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ही आप पाठ की संख्या बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 7-11 पाठ भी कर सकते हैं,
जिससे कि आपको अवश्य ही हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। और जो न्यूनताएं हैं जीवन में, आपके बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दोष है, दृष्टि है, कुदृष्टि है, कुग्रहों के प्रभाव है, हर प्रकार की जो कोई भी बाधा अगर आपको सता रही है, तो अवश्य ही आपको उन सब से छुटकारा मिल ही जाएगा। मित्रों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग में पृथ्वी पर विराजमान हैं, क्योंकि उनको अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। और भगवान हनुमान की पूजा करने से, आराधना करने से, भक्ति करने से हमें हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। रोग और शत्रु हमारे निकट नहीं आ सकते हैं। नित्य नियम के अनुसार चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पाठ तो करना ही है। ऐसा नियम बांधने वाला व्यक्ति अवश्य ही अपने जीवन में ऊंचाई हासिल करता है और हर प्रकार से उसे हर जगह जीत हासिल होती है। और बजरंग बाण का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, मगर विषम परिस्थितियों में, अत्यंत विकट परिस्थितियों में बजरंग बाण एक बहुत बड़ा राम बाण उपाय माना गया है। और बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करा देता है। इस पाठ को करने से आप कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध और आने दी गई है। इसी के फलस्वरूप ही यह अत्यंत ताकतवर और बलशाली हो जाता है और हनुमान जी अवश्य ही वो कार्य करते ही हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। इसलिए जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि संकल्प अवश्य लें, संकल्प लेकर के हाथ में, दाएं हाथ में जल लेकर के संकल्प लें, अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम बोले, जिस जिले में रहते हैं, ग्राम में रहते हैं, वो सब कुछ बोले, जिस राज्य में रहते हैं वो भी बोले, और उसके पश्चात अपनी समस्या बोल कर ही हमें बजरंग बाण का पाठ आरंभ करना चाहिए। इसके पाठ के बीच में बिल्कुल भी किसी से बातचीत पूरी तरह से वर्जित है। पाठ के बीच में चाहे कह कुछ भी हो, उठना भी वर्जित है। और हर प्रकार के इन सब नियमों का पालन आप करेंगे और जिस कमरे में करें वो कमरा स्वच्छ हो और साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप इसकी सिद्धि कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके और अधिक पाठ का महत्व बताऊंगा, जो कि आपको सिद्धि प्रदान कर देने वाला होगा। और अगर प्रातःकाल आपको अगर समय ना मिल पड़े तो यह कार्य आप सायंकाल में भी कर सकते हैं, क्योंकि सायंकाल भी देवताओं का ही समय होता है और सायंकाल में अंतरिक्ष में दिव्य आत्माएं और देवीय ताकतें विचरण करती है और वह मनुष्य के हर कार्य को, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले हर कार्यों को देखती है। तो ऐसे समय में, सायंकाल के समय, देव उपासना का बड़ा ही अधिक महत्व माना गया है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो सायंकाल में बड़ी ही विनम्रता से, भक्ति पूर्वक स्नान करके और फिर यह बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। अपने साथ अगरबत्ती लगा कर रखें, अगरबत्ती नहीं है तो धूप लगा कर रखें और घी का दीपक लगाएं। और घी का दीपक भी अगर ना बन पड़े तो आप चमेली के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, मगर इन दोनों के सिवाय तीसरा कोई दीपक हनुमान जी के मंत्रों में या पाठ में नहीं चलता है। इसलिए या तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं या फिर चमेली के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। और लाल वस्त्र इसमें हर तरह से जरूरी है। लाल ही मिठाई, लाल ही प्रसाद, लाल ही पुष्प, लाल ही आसन और लाल ही आपके वस्त्र हो। पुरुष लाल रंग का रक्तांबर धारण करें और महिलाएं लाल साड़ी, लाल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात ही बजरंग बाण का पाठ करें और विषम परिस्थिति में इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे।